हेलो फ्रेंड्स, मोतीचूर लड्डू सभी पसंद करते हैं, तो आज मैं आपके लिए इसी मोतीचूर लड्डू की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। तो एक अलग से ट्विस्ट के साथ आज हम ये रेसिपी बनाएंगे, तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है मोतीचूर के लड्डू लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लड्डू ले लिए हैं, जिसमें से दो लड्डू मैंने अलग से निकाल कर रख दिए हैं। तो यहाँ पे हमें इन लड्डुओं को एक बड़े से बोल में तोड़ना है, इसे पूरी तरह से स्मैश कर दें। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू स्मैश करके ले लिए हैं। इन लड्डुओं से हम बहुत ही बढ़िया सा टार्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, ड्राई ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, और इसमें जो घी है बहुत ही अच्छी मात्रा में है, तभी हमारा ये जो टार्ट है बहुत ही अच्छे से सेट होगा और बनेगा। तो चलो आगे देखते हैं अभी क्या करना है। आज हम टार्ट बनाएंगे, इसके लिए हमें ये टार्ट टिन लेना है जिसका ये नीचे का हिस्सा अलग होता हो। इसी तरीके का टिन का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब इस टिन में हम ये स्मैश किए हुए सारे लड्डू जो है वो डाल देते हैं। अब इन्हें हमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है और एक मोटी सी लेयर बना देनी है। नॉर्मली टार्ट बनाने के लिए जिस तरह की लेयर हमें नीचे की तरफ बनानी होती है, उसी तरह से हमें यहाँ पे मोतीचूर की एक लेयर बना देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मोटी सी लेयर बना दें नीचे की तरफ, और उसी तरह से हमें साइड के एजेस में भी एक मोटी सी लेयर बना देनी है। हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसके लिए ये बहुत ही आराम से इस टिन में स्प्रेड हो जाते हैं और एक अच्छा सा इसका टार्ट शेप आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने साइड के एजेस में भी एक अच्छे से मोटी सी लेयर बना दी है। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है। तो हमने यहाँ पे इन लड्डुओं को अच्छे से कोट करके ले लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एजेस पे भी मैंने अच्छे से एक मोटी सी लेयर बना दी है ताकि ये अच्छा टार्ट का शेप बन सके। तो हल्के हाथों से हमें प्रेस कर देना है। तो ये हमारा मोतीचूर का टार्ट जो है तैयार है। तो अब हम इस टिन को जो है 1 से 1.5 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो। इसमें बहुत सारा घी होता है, तो ये हम फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम इसकी रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है जिसमें हमें 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून काजू लेने हैं, और उसी के साथ 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे पिस्ता लेंगे, और इन सारे ड्राई फ्रूट्स की हमें एक अच्छी सी फाइन पाउडर बना लेनी है। तो अब हम रबड़ी बनाने के लिए ले लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े से कढ़ाई में 1 लीटर दूध जो है डाल दिया है। मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है रबड़ी बनाने के लिए। तो अब हमें इसे जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है अच्छे से पकाना है। धीरे धीरे जो है दूध गर्म होना शुरू हो गया है, और इसके ऊपर जो है मलाई की एक परत आ गई है। तो हमें इस परत को जो है इस तरह से निकाल कर कढ़ाई के साइड में लगा देना है, और जब भी ऐसे मलाई की परत ऊपर आ जाए तो हमें इसे साइड में लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध को अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज में हम यहाँ पे 1/4 कप जो है शक्कर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें, इसे चलाते रहिए। अब हम यहाँ पे गैस को लो फ्लेम पर रखकर दूध को पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध जो है ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब हम इसमें अनस्वीटेंड खोया ऐड कर देते हैं। तो इसे भी हमें अच्छे से दूध में मिक्स करके ले लेना है। अब हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना।
हमें यहाँ पे रबड़ी बनानी है। इसके लिए हमें दूध को जो है और थोड़ी देर के लिए पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। इसे और 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो 15 से 20 मिनट और हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में लगी हुई जो मलाई है, हमें इस तरह से स्क्रब करके इसे दूध में ही ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये जो रबड़ी है वो तैयार है, अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम लास्ट में जो है इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड कर देते हैं। तो एक बड़ा चम्मच हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पाउडर ले लेना है और उसी के साथ हम यहाँ पे हाफ टी स्पून जो है इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम रबड़ी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हम इसे बस एक मिनट तक के लिए पकाएंगे और इसके बाद हमें गैस बंद कर देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक से डेढ़ घंटे के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो मोतीचूर का टार्ट है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हमें इस टार्ट में जो है ये रबड़ी ऐड कर देनी है। ध्यान रखें, रबड़ी को हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है, इसके बाद ही हम इसमें इसे ऐड कर देंगे। रबड़ी को जो है हमें इस टार्ट में इस तरह से फैला देना है। अब हम ये बची हुई जो रबड़ी है इसे भी ऐड कर देते हैं। तो अब इस टार्ट को जो है हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे हमने रबड़ी का इस्तेमाल किया है जिसे सेट होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो अब हम इसे 5 से 6 घंटे तक फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो टार्ट है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम धीरे धीरे करके जो है साइड के एजेस को क्लियर करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से जो है डीमोल्ड हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट लग रहा है और बिल्कुल टार्ट का शेप इसे आ गया है। तो अब इस टार्ट को जो है मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। इस मोतीचूर टार्ट को आप ऊपर से चॉप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे प्लेन रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया लग रहा है। उसी के साथ ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे एक बार खाओगे तो इसे आप बार बार खाना चाहोगे। तो इस मोतीचूर रबड़ी टार्ट को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उसी के साथ आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आती रहूँगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।